स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो में। और आज की कक्षा में मैं लाई हूँ एक पार्ट जो मेरा फेवरेट है, यानी मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम है हार की जीत। और मैं ये अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, तो हम इसे पढ़ते हैं। मैं सिर्फ पढ़ने का अभ्यास आपको कराने के लिए लाई हूँ, हार की जीत। और आप ध्यान से सुनिए, हम इसको अलग अलग भागों में करेंगे। तो आज इसका पहला भाग समझिए और मेरे साथ देखिए क्या इसके जो शब्द हैं इस पाठ के, वो बहुत सुंदर हैं। और ये पाठ लिखा है सुदर्शन जी ने, जो एक बहुत बड़े लेखक हैं। तो आप पढ़िए मेरे साथ, देखिए। हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते, देखिए खुद दाना खिलाते। और लिखा है, और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। दिख रहा है आपको, उन्होंने अपना रुपया, माल, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। ध्यान से सुनिए, यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह पा सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। ऐसी भ्रांति सी मतलब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह पाएंगे। वो सुल्तान को इतना प्यार करते थे, वे उसकी चाल पर लट्टू थे। तो जो बाबा भारती थे, वो अपने सुल्तान को इतना प्यार करते थे कि वो उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील, आपको दिखाई दे रहा है, 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। तो ये बहुत सुंदर है पाठ है। इसके बाद देखिए, आज हम पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और देखते हैं आपको पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा। वहां एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। आपको दिख रहा है? अच्छा, ठीक है। हाँ, खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाल खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। अब देखिए, बाबा भारती अपने सुल्तान की तारीफ खड़क सिंह से कर रहे हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। ये कौन कह रहा है? बहुत दिन से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं, ये खड़क सिंह बोल रहा है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक सब पढ़ो।